हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी की क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक से शुरुआत कर रहे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक बहुत ही सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ आधार दे सकते हैं। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है वो एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर के बारे में है। पालमपुर इंडिया के जनरल विलेजों से मैच खाता हुआ एक विलेज है, जहाँ के जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन के वेरियस एस्पेक्ट्स और उनके चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। हमारे इस स्टोरी का पर्पस है आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स के हैं उनसे रूबरू कराना। प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज की डिमांड करती हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट और इन्वेस्टमेंट की। इंडिया के विलेजेस में फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। कुछ एक एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रो बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर छोटी सर्विसेज, ये आपको भी गांव में दिख जाएंगी। इनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंडर में पढ़ते हैं। किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो चार सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वह हैं लैंड एंड रिसोर्सेज, लेबर यानी जो लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल कैपिटल यानी जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और वेरियस अदर टूल्स और इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। चौथा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है नॉलेज और ह्यूमन इंटरप्राइज, यानी कि ये जो बाकी के रिसोर्सेज हैं इनको एक निश्चित डायरेक्शन में और निश्चित अमाउंट में यूज़ करके हमारा डिज़ायर्ड गुड या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करना एक क्रूशियल काम है। चीज़ों के प्रोडक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि रिसोर्सेज, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही है, ऐसे में लैंड को एज अ रिसोर्स यूज़ करना काफ़ी रैशनैलिटी को डिमांड करता है। हम अगर एग्जांपल लें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से पंजाब में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि वहाँ पर सॉइल की जो हेल्थ है वो लगातार डिग्रेड होती चली गई, वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो गया और उसमें भी कंटामिनेशन हो गया। जो पालमपुर के विलेज के लोग हैं वो, क्योंकि पालमपुर के गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है तो इरिगेशन की फैसिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया के ज़्यादातर गाँव में अब बिजली पहुंचने लगी है, वहाँ पे इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज्ड मोटर भी यूज़ होने लगी हैं। एक नया कॉन्सेप्ट मल्टी क्रॉपिंग का भी भारत के गाँव में यूज़ होने लगा है, जिसमें कि एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप राउंड द ईयर हम लोग ग्रो करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम पीपल को रखें तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी में उसके लोग एज अ एसेट काम कर सकते हैं, ना कि लाइबिलिटी, अगर वो मोटिवेटेड हों, वो हेल्दी हों, वो स्किल्ड हो और उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट से अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस है और बहुत ही एफिशिएंट है। अगर हम जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को फर्दर डेवलप करने के बारे में बात करें तो इनके एजुकेशन और इनके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करके हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को भी और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और ये किसी भी और फिजिकल कैपिटल के फॉर्मेशन की तरह ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कहा जाएगा। हालांकि कुछ लोग क्रिटिक करते हैं कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स देखने के पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन इकोनॉमिक प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से हम ह्यूमन को एज अ रिसोर्स देख कर और उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हम एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का।
उन्हीं क्लाइमेट कंडीशंस में, उन्हीं फिजियोग्राफिक कंडीशंस में, उन्हीं सेम अमाउंट ऑफ लैंड में हमने अपना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लिया कि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर अपने फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंड रहना बंद कर दिया। एजुकेटेड और हेल्दी लोग अपनी इनकम से डायरेक्ट अपना फ़ायदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो एक हेल्दी और एजुकेटेड सोसाइटी का भी निर्माण करते हैं, जो कि बहुत सारे फ़ायदे इनडायरेक्ट तौर पर और लोगों को भी देता है। कोई भी और कैपिटल का फॉर्मेशन, किसी भी और रिसोर्स का बहुत ही एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मजबूत नहीं है। तो अपने सेशन के अगले पार्ट में चलते हुए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उनके रिसोर्सेज के कंजम्पशन के आधार पर, उनके लोगों के काम करने के तरीके के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जिनमें हम डायरेक्ट नेचर से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग। जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक लेवल ऊपर जाके इन पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनकी क्वेरिंग करते हैं, तब इनको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। टर्शरी सेक्टर, जिसको कभी कभी हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये डायरेक्टली किसी चीज़ का प्रोडक्शन रिसोर्स का ना करके ये वैल्यू एडिशन का काम करती है। इसमें सर्विसेज जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सभी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। इन सभी सर्विसेज के इंक्लूजन की वजह से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मिलके हमारे देश की आय यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी पर कैपिटा इनकम और हमारी नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं। अगला जो हमारा एक्टिविटीज़ को डिवाइड करने का क्राइटेरिया है वो है मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका प्रोडक्शन इस एम से किया जा रहा है कि हमको उसमें से प्रॉफिट हो, उनको हम मार्केट एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इनमें वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगी जिनको हम सेल करने के एम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ इस कैटेगरी में रखेंगे जिनका प्रोडक्शन हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, वो सोसाइटी के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर इंडिया में हम देखें तो ये हिस्टोरिकली अफेक्टेड रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से, कि बहुत ही हार्ड वर्क और नट क्रैकिंग टाइप के काम हम मेल्स के ऊपर रखते हैं और डेलिकेट सॉफ्ट चीज़ों का डिवीज़न हमने वुमेन के लिए किया हुआ है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात एजुकेशन को लेकर के है वो ये कि एजुकेशन आपको आपके सामने रखी हुई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज़ करने में मदद करता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप स्किल्ड हैं और आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एजुकेशन और स्किल्स ये एक मेजर डिटर्मिनेंट है किसी की भी लाइफ में कि वो उसकी अर्निंग कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी। ज़्यादातर लोग जो कि नॉन स्किल्ड और नॉन एजुकेटेड हैं वो बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स में काम करके भी उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में अपनी लाइफ को इजी और कंफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो अगली जो बात इस हमारे सेशन के कंटिन्यूएशन में है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है पॉपुलेशन का, उनका लिटरेसी रेट कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है और स्किल फॉर्मेशन उनका कैसा होता है। एजुकेशन ना केवल उनके इकोनॉमिक, ना केवल उनके मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है, बल्कि एक हेल्दी सोसाइटी, एक साइंटिफिक सोसाइटी का भी निर्माण करता है। नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस और इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नेंस को इंक्रीज करने में एजुकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी
कुल खर्चे का, हमारे कुल प्रोडक्शन का, जीडीपी का 0.64% 1951-52 से इंक्रीज़ होकर के 2002-2003 में लगभग 3.98% के पास तक पहुंच गया था। हाल के दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हुई है। हेल्थ को एज अ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि बिना हेल्थ स्टेटस सही हुए कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल एक रिसोर्स होने के बजाय एक लायबिलिटी बन जाता है अपनी फैमिली पर, अपनी सोसाइटी पर और अपनी कंट्री पर। इस वजह से हेल्थ के सेक्टर में भी हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारे मेजर्स एडॉप्ट किए गए, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स के आसपास थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो 2000 में 64 ईयर्स के आसपास है। अगला जो चैलेंज हमारे सामने हमारी पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स, स्किल्ड और जॉब ओरिएंटेड बनाने में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है हम इसके बारे में बात करेंगे। जब लोग काम करने के लिए राज़ी हों, प्रेजेंट कंडीशन में जो हैं उनमें काम करने को राज़ी हों, प्रेजेंट जो वेजेस हैं उन पे काम करने को राज़ी हों, फिर भी उनको काम करने का अवसर अगर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर रूरल और अर्बन इलाकों में अलग अलग है। रूरल इलाकों में हम सीजनल और डिसगाइज टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है कि कुछ निश्चित समय पे साल भर में हमारे पास एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम होता है, उस समय हम बहुत ज़्यादा लेबर को उसमें अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे लोगों के पास काम एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं है। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि एक खेत पे काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, पर उस फैमिली में 6 लोग हैं और बाकी 3 लोगों के पास कोई काम नहीं है। ऐसी स्थिति में 6 के 6 लोग उसी खेत पे जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे काम सिर्फ 3 लोगों का है, तो बाकी जो 3 लोग अपेरेंटली आपको एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, एक्चुअली में वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं और वो किसी भी प्रोडक्टिविटी में अपना पार्ट रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं। जो अर्बन इलाके हैं कंट्री के, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट ना होकर के एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, लोग पढ़े लिखे हुए हैं फिर भी उनको नौकरी, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयड पीपल देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एसेट होने के बजाय एक लाइबिलिटी के तौर पर काम करने लगते हैं। मैन पावर का, एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट है हमारी ग्रोथ के ऊपर एज अ इकॉनमी, एज अ सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा तो हम एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी बहुत हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में हम देखें तो एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो एक मेजर सेक्टर रहा है लेबर को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन हम दुनिया में जब डेवलप्ड कंट्रीज और को देखते हैं तो हमने देखा कि जब जैसे जैसे वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ती हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में लगातार लेबर फोर्स डिक्लाइन करता है और ये लेबर फोर्स जाके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंडिया में भी लगातार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लेबर फोर्स का डिक्लाइन देखा जा रहा है। अपने सेशन के कॉन्टिन्यूएशन में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और कैसे अनहेल्दी, अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड लोग देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर लायबिलिटी के तौर पे काम करने लगते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो अपने देश में मिलियंस ऑफ पीपल जो कि बहुत एब्जेक्ट पॉवर्टी में घिरे हुए हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना था। इंडिया में इन लोगों के लिए ट्रूली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही था कि ये गरीबी से और अपनी लाचारी से बाहर आ पाएं। सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से मेज़र करने की कोशिश करते हैं और वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं जब वो पॉवर्टी को मेज़र करते हैं।
बहुत ही जो फेमस तरीका है नापने का उस वो इनकम और कंजम्पशन के लेवल पे है। डायनेमिक तौर पे देखें तो इलिटरेसी लेवल क्या है और रेजिस्टेंस माल न्यूट्रिशन से क्या है, इन पैरामीटर्स को भी चेक किया जाता है। पॉवर्टी का मतलब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कमी, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का ना मिल पाना और सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ का अवेलेबल ना होना भी कहते हैं। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा मेज़र है जहाँ से हम ये क्लियर कट डेफिनेशन देते हैं कि हमारी कंट्री में कितने लोगों को गरीब माना जाए और कितने लोगों को गरीबी से ऊपर माना जाए। एक निश्चित डेफिनेशन इस चीज़ की प्रोवाइड की जाती है। जो प्रेजेंट फॉर्मूला है पॉवर्टी लाइन और बनाने का और पॉवर्टी को मेज़र करने का, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। रूरल इलाकों में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर मिल रही हैं तो हम उस पर्सन को गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। सेम क्राइटेरिया अगर हम अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर अगर 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे मिल रही हैं किसी भी व्यक्ति को तो हम उसको गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। पॉवर्टी के जो एस्टिमेट्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग 1973 में 55% पॉवर्टी से हम 1993 में 36% पॉवर्टी की तरफ पहुँचे। पॉवर्टी के आंकड़े प्रेजेंट के और इंस्पायरिंग हैं, लगातार पॉवर्टी में डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम पॉवर्टी से अफेक्टेड लोगों को देखें या फिर ये बात हम डिस्कस करें कि कौन से लोग पॉवर्टी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने के चांस में हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। सभी सोशल ग्रुप्स, सभी सोसाइटी के सभी मेंबर्स उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हैं पॉवर्टी के लिए, जितना कि कुछ निश्चित ग्रुप्स हैं। वो सोशल ग्रुप्स जो कि मोस्टली वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए, उनमें से ज़्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। एक फैमिली जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, पॉवर्टी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। एल्डरली वुमेन को ठीक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फीमेल इन्फेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है और जो बेसिक्स ज़रूरतें और सर्विसेज हैं उससे उनको डिनायल है। पॉवर्टी के नीचे रहने वाले लोगों को अगर हम सोशल ग्रुप्स के अलावा स्टेट्स के लेवल पे भी देखें तो स्टेट्स के लेवल पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी से ऊपर अपना जीवन यापन पूरा स्टेट कर रहा है, और बहुत सारे स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मेन चंक्स ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे यापन जीवन कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने पॉवर्टी लाइन के को क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के ऊपर अपनी लाइफ जी रही है। लेकिन वहीं पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पॉवर्टी की समस्या लगातार इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक बनी हुई है। उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके, यहाँ पर पॉवर्टी अभी भी एक मेजर चैलेंज है। लोगों के पास खाने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉवर्टी के मेज़र की बात करें तो $8 a day बहुत दिनों तक एक बहुत कॉमन फ्रेज रहा है जिससे कि हम गरीबी नापी जाती है। $8 a day डिसाइड वर्ल्ड बैंक ने किया। इसके हिसाब से 1990 से 28% पॉवर्टी से वर्ल्ड में 2001 में ये पॉवर्टी का लेवल 21% पे आ गया। पॉवर्टी किसी भी देश के लिए एक मेजर चैलेंज है। इंडिया भी इसी चैलेंज से जूझ रहा है। पॉवर्टी को रिमूव करना हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, क्योंकि हम सुपर पावर तभी बन सकते हैं जब हमारे देश के लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर एजुकेशन को पाएंगे। करंट जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है वो दो लेवल पे काम करती है। पहला लेवल है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें और जिससे कि हम पॉवर्टी को डिक्लाइन करें। दूसरा जो हमारा तरीका है वहाँ पर हम जो पॉवर्टी में जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन पर टारगेटेड अपनी सब्सिडीज़, अपने सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स और अपने सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स को पहुँचाएँ। इनमें जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
जिसको हम लोग फेमसली मनरेगा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 100 दिनों के जॉब की गारंटी है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जहाँ पर आपको काम के बदले अनाज दिया जाएगा ताकि आप सीधे जाके भोजन कर सकें और ये एश्योर कर सकें कि आपकी ज़िंदगी में खाने का झंझट नहीं है। अपने सेशन के कॉन्टिन्यूएशन में हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, खाने की उपलब्धता आपको गरीबी से बाहर ला सकती है। ऐसे में पूरे देश के लिए फूड सिक्योरिटी का होना, हमारे लिए इस बात का एश्योरेंस होना कि सभी के लिए खाने को है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल बात हो जाती है। जो वेरियस डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के, वह हैं कि सभी के लिए खाना अवेलेबल हो, सभी पर्संस की कैपेसिटी हो कि वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ फूड को ख़रीद सकें, और फूड पर किसी को एसेस से कोई बैरियर नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि आपकी पहुंच खाने तक ना हो। क्यों फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है? क्योंकि फूड का अवेलेबिलिटी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। खाने की उपलब्धता हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। पुअरेस्ट सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, वो बहुत इनसिक्योर है इस मामले में। जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर जी रहे हैं, उनके लिए फूड सिक्योरिटी का उतना सीरियस मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश का एक बहुत सब्सटेंशियल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे अपनी लाइफ जी रहा है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी का होना इंडिया में उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी लाइफ जीने के लिए। हम फेमस बंगाल फेमाइन को याद कर सकते हैं, जब पहली बार इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्लाइन कर गई, हम उस दौर में लोगों को भूख से मरते हुए याद कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल हमारे मन में उठता है वो है कि कौन वो लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं। तो ऐसे लोग जो कि ट्रेडिशनल कामों में जुटे हुए हैं, ऐसे लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश कर रहे हैं और बेगर्स हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर अपनी लाइवलीहुड जीने का काम नहीं है अभी तक, वो लोग मोस्ट वल्नरेबल हैं फूड, वो लोग मोस्ट फूड इनसिक्योर लोग हैं। अर्बन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर वो लोग जिनको प्रॉपर जॉब्स नहीं हैं, जो कि किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उनके ऑक्यूपेशन के लिए पेमेंट भी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं मिल रही है, कैजुअल लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग फूड इनसिक्योर हैं अर्बन एरिया में। हमारी कंट्री में अगर हम फूड इनसिक्योर लोगों का वेरिएशन देखें तो हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में फूड इनसिक्योर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टेट्स ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके हिस्टोरिकली भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहे हैं। तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी या फिर फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल लोगों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर SC ST की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोगों में से एक हैं। हंगर, भूख का होना भी, भूख का ना मिट पाना भी फूड इनसिक्योरिटी या फिर फूड इनसिक्योर होने का एक बहुत ही डेफिनेट और डिसाइसिव मेज़र है। हंगर का होना सिर्फ पॉवर्टी होने का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये आपके माल न्यूट्रिशन और आपके डिजीजेस के लिए मोस्ट वल्नरेबल होने का भी एक निश्चित गारंटी है। ऐसे में जो उपाय फूड सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए इंडिया में किए गए, उनमें सबसे डिसाइसिव काम जो हुआ है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर लोगों ने हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, न्यू टेक्नोलॉजी इरीगेशन को यूज़ करके उन्हीं सेम लैंड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया और हमारे देश को दूसरे देशों की डिपेंडेंसी से बाहर ले आए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी के मामले में। और हमारा देश जो है वो फूड ग्रेन्स के मामले में, बेसिक स्टेपल फूड की अवेलेबिलिटी के मामले में हाईली डिपेंडेंट अपने ऊपर ही हो गया और हमने मैक्सिमम केसेस में फूड सिक्योरिटी को अटेन किया। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि सब्सिडाइज्ड रेट पे
फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी करवाना सरकार ने बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में की। इंडिया में लगभग 4.6 लाख राशन शॉप्स की दुकानें हैं जिनको हम लोग फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से भी जानते हैं। राशनिंग की शुरुआत इंडिया में लगभग 1940 से हम लोग मान सकते हैं बंगाल के फेमस फेमाइन के बाद से। एनएसओ के डाटा में 1960s में बहुत ज़्यादा गरीबी और फूड इनसिक्योरिटी की बात कही गई। 1973 आते आते और उसके बाद बहुत सारे जो प्रोग्राम्स शुरू किए गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के, फूड फॉर वर्क के, बाद में इसमें अंत्योदय अन्न योजना के, उसके बाद मनरेगा के, फूड फॉर वर्क के, इन सभी ने मिल के फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंज को दूर करने की एक बहुत ही सफल कोशिश की है। करेंट स्टेटस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और एक रिवैम्प करने की भी जो इनको कोशिश की गई है 1997 में लगभग 1700 ब्लॉक्स में एक रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, जहां पर सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी की बात थी। यहां पर डायरेक्टेड यानी कि जो लोग फूड इनसिक्योर हैं डायरेक्टेड उनके लिए स्पेशली स्पेशलाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया। सभी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे सोशल कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम्स के बावजूद भी अभी भी हम हंगर को प्रेवलेंट अपने आसपास देख सकते हैं। हालांकि इसमें डिक्लाइन बहुत सब्सटेंशियल हुआ है लेकिन हंगर में की वजह से मौतें होते हैं हम आज भी सुनते हैं। दूसरा एरिया जो मेजर कंसर्न का है वो है पीडीएस सिस्टम की इनएफिशिएंसी। बहुत सारे स्टेट्स में पीडीएस का सिस्टम बहुत अच्छा एफिशिएंटली काम कर रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में इसमें बहुत सारे फेल्योर भी हैं। केरला का एग्जांपल बाकी स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा है जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैक्सिमम कोऑपरेटिव्स के हाथ में है और ये बहुत ही एफिशिएंटली वहां पर हैंडल किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा जो सेशन है क्लास 9th की एनसीईआरटी को होलिस्टिकली कवर करने का वो एंड होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ।